पाकिस्तान एक्सपर्ट उजैर यूनुस का भारत को लेकर बड़ा खुलासा। गुजरात दौरे पर आए पाकिस्तानी एक्सपर्ट मजार देखकर दंग रह गए। गुजरात से पाकिस्तान जाने पर मोदी के गुजरात को लेकर किया बड़ा खुलासा। एक पॉडकास्ट से बात करते हुए उजैर ने मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी ने भारत के लोगों की जिंदगी बदल दी। भारत और पीएम मोदी को लेकर पाकिस्तान में गलत बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, ये बात किसी से नहीं छिपी। पाक जनता तरस रही है कि काश हम भारत में होते, क्योंकि पाक हुक्मरान और पाक आर्मी ने भारत के खिलाफ अपनी जनता को भड़का कर अपना काम करते रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और अब पाकिस्तान की जनता काफी चीजों को समझने लगी। उसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेशी मामलों के जानकार जो भारत दौरे पर आए थे, मोदी और भारत को लेकर पाकिस्तान में ऐसी बात बोली कि हंगामा हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पाक आर्मी मलाई खाने के लिए हमेशा भारत का इस्तेमाल करती है और पाक हुक्मरान कश्मीर को यूज कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। अभी पाकिस्तान की आर्थिक सामाजिक हालत खराब है और जनता भूख से मर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट आर्मी और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो भारत से बात करें और कश्मीर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दें। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर पाक आर्मी मलाई खाती रही है वो कैसे छोड़ दे। ऐसे में पाक जनता को भारत के लोग और भारत के बारे में बहुत कुछ जानने सुनने का मौका सोशल मीडिया, ब्लॉग और यूट्यूब से मिल रहा है। ठीक ऐसी एक घटना ने पाकिस्तान के लोगों के जहन में भारत और भारत की जनता को लेकर बड़ी बात डाली और पाकिस्तान में भारत की एक अलग छवि पेश की जा रही। जी हाँ, खबरों की माने तो पाकिस्तानी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ उजैर यूनुस ने भारत के गुजरात राज्य का दौरा किया, इसके साथ ही साथ कई और राज्यों और शहरों को देखा और जब पाकिस्तान पहुंचे तो एक पॉडकास्ट से बात की और जो कहा उसे सुनकर पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए। इसके साथ ही उजैर के भी होश उड़ गए कि आखिर जो भारत को लेकर उसने पढ़ा था और जो हकीकत वो देख रहे हैं उससे तो भारत काफी अलग है। उजैर यूनुस ने अपने भारत दौरे का जिक्र पाकिस्तान के एक यूट्यूब शो में किया और कहा कि भारत में घूमने के वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों को पॉलिटिक्स के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही, उन्हें नफरत सिखाया जा रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उजैर यूनुस भारत यात्रा के दौरान डिजिटल प्रोग्रेस और सेक्युलर मुद्दों के बारे में बात की। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर भी चर्चा की। पाकिस्तानी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ उजैर यूनुस ने भारत का दौरा करके जो देखा उसे देखकर उनको खुद ही विश्वास नहीं हुआ और अपने पाकिस्तान की हालत को देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। पाकिस्तान पॉडकास्ट से बात करते हुए उजैर ने घटना का जिक्र किया और कहा कि मैं गुजरात दौरे पर था और एक गांव में इस्माइल पीर की दरगाह पर पहुंचा और दरगाह देखकर दंग रह गया। दरगाह पर ही मुझे एक पंडित मिले जो बगल के एक मंदिर के पुजारी थे। मैंने उनसे पूछा कि ज्वाला पीर की मजार किधर है, तो उन्होंने कहा कि वो इस्माइल पीर के शहर में। जब मैंने पूछा कि इतना साफ सुथरा और इतनी दूर इस मजार पर आता कौन है, तो उन्होंने कहा कि इस मजार पर सभी धर्म के लोग आते हैं और इस मजार की मान्यता है कि कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बातें भारत के बारे में फैलाई जाती हैं वो सारी सही नहीं। इसके साथ ही उजैर यूनुस ने पॉडकास्ट में अपनी मातृभूमि में आसमान छूती मुद्रास्फीति, भारत की डिजिटल प्रगति और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव समेत अन्य विषयों पर बात की। उजैर यूनुस अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर में पाकिस्तान इनिशिएटिव के निदेशक हैं। उजैर कहते हैं कि भारतीयों में इट्स आवर मोमेंट वाला एटीट्यूड है। उनमें यह एटीट्यूड बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की कोशिश की वजह से आया है। भारतीय लोगों में बहुत एनर्जी है, वे पॉजिटिव सोचते हैं, उनमें अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सोच है। उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई में थे तो उन्होंने देखा कि वहां के मूची से लेकर पान वाले डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसे देखकर उनके होश उड़ गए। भारत दौरे पर आए यूनुस ने यह भी कहा कि भारत में नकदी का प्रचलन देश की जीडीपी का 13% है, जो पाकिस्तान में 20% से बहुत कम है।
पाकिस्तानी विश्लेषक ने यह भी कहा कि वो इस बात से हैरान थे कि कैसे भारत में सभी के पास जीरो बैलेंस अकाउंट, यूपीआई और मोबाइल फोन्स हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीआई की मदद से पैसे भेजने की लागत शून्य है, क्योंकि सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यूनुस ने यह भी कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तरफ से किए गए कामों ने जीवन को बदल दिया। सरकारी सब्सिडी ने डिजिटल वॉलेट को और अधिक लोकप्रिय बना दिया और ऑनलाइन सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया, भ्रष्टाचार को कम किया और अधिक ऑनलाइन भुगतान के लिए सक्षम किया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने क्या देखा और फिर पाकिस्तान जाकर क्या कहा। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया में उजैर की बात काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।